सर्दियों के मौसम में लोग साग खाना बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों लोग सरसों का साग, सोया मेथी का साग और पालक का साग बेहद चाव के साथ खाते हैं। तो वहीं इस मौसम में गेहूं और सरसों की फसल के साथ उगने वाला बथुआ, जिसका साग बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। बथुआ में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में अगर बथुआ का सेवन नियमित तौर पर किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता बताती हैं कि बथुआ में विटामिन B1, B3, B5, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। बथुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि बथुआ का सेवन रोटी, पूड़ी, रायता या फिर साग बनाकर किया जा सकता है। इसके अलावा बथुआ की ताजी पत्तियों का रस निकालकर अगर रोजाना पिया जाए तो ये गुर्दे की पथरी और पेट के कीड़ों को बाहर निकालने में भी मददगार होता है। बथुआ की पत्तियों को अगर पानी में उबालकर उस पानी से त्वचा को धोया जाए तो त्वचा संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, बथुआ में पाए जाने वाले आयरन की वजह से महिलाओं में खून की कमी को भी ये पूरा करता है। बथुआ में पाए जाने वाले विटामिन ए की वजह से आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद मिलती है। बथुआ अपनी गर्म तासीर की वजह से महिलाओं की महावारी की समस्या से भी राहत दिलाने का काम करता है। डॉक्टर विद्या गुप्ता बताती हैं कि अगर महिलाओं को महावारी रुक रुक कर होती है तो ऐसे में बथुआ के रस में काला नमक मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो पीरियड्स की समस्या में भी राहत मिलती है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में बथुआ अपने आप ही सर्दी वाली जो फसलें होती हैं उनके साथ उग भी जाता है और इसको उगाया भी जा सकता है बीज से। इसको हम जो है साग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साग के अलावा इसका हम पराठा बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं और इसका हम रायता वगैरह भी बना सकते हैं। और बथुआ जो है पेट के कीड़ों के लिए और पथरी के रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम प्रतिदिन बथुए का सेवन कर लें जाड़ा भर तो हमें जो है गुर्दे की जो पथरी होती है वो नहीं हो सकती है। पथरी में ये विशेषकर लाभदायक है यदि बथुए के ताजे पत्तियों के रस को सेवन किया जाए या बथुए का साग इस्तेमाल किया जाए या बथुए को उबाल करके इस्तेमाल किया जाए तो इसका जो है फायदा हमारे गुर्दे को जो है बहुत मिलता है और पथरी नहीं होने पाती हैं। इसके अलावा ये जो है और भी चर्म रोगों में जो है विशेषकर बहुत फायदेमंद है। अगर इसको उबालकर इसके पानी का प्रयोग जो है चर्म रोगों में करें तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त ये पेट के कीड़ों की समस्या से भी निजात दिलाता है। और बथुआ जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन B1, B3, B5, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, ये सभी पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और बथुए में विटामिन ए भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आँखों के स्वास्थ्य और एनीमिया की बीमारी के लिए ये बथुआ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बथुए को हम अपने प्रतिदिन के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सरसों का साग होता है उसमें मिला के खा सकते हैं या इसको और भी कई तरीके से अपने खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।